नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोइज हुसैन जावद वाला है। आपने वोट किया क्या आज? नहीं, आज मैं वोट नहीं कर सका। क्यों? रीजन ये है कि मेरे पास अपना वोटिंग आईडी कार्ड है और ये कार्ड के बेसिस पे जब मैं अपने डिटेल्स सर्च करता हूँ तो मुझे नो रिकॉर्ड्स फाउंड आते हैं और जो मेरा पोलिंग बूथ नंबर है 119 सांडोर, वहां जाके जब मैंने लिस्ट में अपना नाम चेक किया तो वहां लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। हालांकि मैंने जो लास्ट विधानसभा चुनाव हुए थे उस चुनाव में जाके कार्मलाइट स्कूल जो हमारा सेंटर है वहीं पे जाके मैंने वोट किया था, बट इस टाइम पे ये जो लोकसभा चुनाव हुए इस चुनाव में मेरे कार्ड से रिलेटेड या मेरा जो ईपिक नंबर है उससे रिलेटेड कोई डिटेल्स फाउंड नहीं है। उसके बाद में जब मैं गया और अपने पोलिंग बूथ पे जाके मैंने जो पोलिंग ऑफिसर थे उनसे पूछा तो उन्होंने जाके फिर अपने मोबाइल पे सर्च किया, उन्होंने अपने मोबाइल पे जब सर्च किया तो उन्होंने मुझे बताया कि आपका सेंटर ये नहीं है, आपका सेंटर न्यू इंग्लिश हाई स्कूल है। बट जब मैं न्यू इंग्लिश हाई स्कूल गया तब उन्होंने बोला कि भाई ये जो सीरियल नंबर है 941 वो सीरियल नंबर पे ऑलरेडी किसी लेडीज का नाम था, यूपीओ नंबर भी डिफरेंट है, इपिक नंबर डिफरेंट है और वो वोट करके गए हैं। तो आई एम नॉट श्योर कि ये कैसे हुआ है। मेरा कार्ड वैलिड है, सब डिटेल्स वैलिड है, आधार कार्ड पे भी सेम डिटेल्स है, बट अनफॉर्चुनेटली कहीं पर भी मेरे कार्ड से रिलेटेड या मेरे ईपिक नंबर से रिलेटेड कोई डिटेल्स अवेलेबल नहीं है। सर, आपके फैमिली के और भी मेंबर है उनका का नाम? जी हाँ, फैमिली के जो मेंबर है, मेरी वाइफ है, मेरी मदर है, उनका नाम था और उन्होंने वोट किया भी है और उसी सेंटर पे जाके किया जहां पर उनका पोलिंग बूथ सेंटर आया था जो कार्मलाइट स्कूल है। क्या कहना चाहेंगे इलेक्शन कमीशन को? इलेक्शन कमीशन को यही कहना चाहेंगे कि ये इस तरह की डेटा में प्रॉब्लम कैसे हो सकता है। मीन्स जब आपने कार्ड इशू किया है अगेंस्ट वन ईपिक नंबर, ये ईपिक नंबर से जब हम कुछ रिकॉर्ड सर्च कर रहे तो कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है और ये इलेक्शन के टाइम पे ही ये सब प्रॉब्लम क्यों स्टार्ट होते हैं और क्यों ऐसा होता है कि हमेशा इलेक्शन के एक महीने पहले ही सब डेटा वेरीफाई करना और सब डिपार्टमेंट उसके काम में लग जाते हैं। एग्जैक्टली ये पूरा थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द टाइम ये होना चाहिए, डेटा करेक्शन हुआ, डेटा वेरिफिकेशन हुआ, ये क्यों नहीं होता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा? हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।